दिल तो हर किसी का टूटता है, लड़के का भी और लड़की का भी, लेकिन दोनों के रिएक्ट करने में अलग-अलग फर्क होता है। दोनों जब दिल टूटता है तो लड़की का बिहेवियर किस टाइप का होता है और लड़के का कैसा होता है, दोनों अलग-अलग तरह से उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। दुखी तो दोनों होते हैं, लड़के का भी दिल टूटता है तो भी होता है और लड़की का दिल टूटता है तो वो भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोनों के व्यवहार में। लड़के का जब दिल टूटता है तो बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट करते हैं। लड़कों का जब भी आप देखोगे कहीं से ब्रेकअप होता है, उनको दर्द महसूस होता है, दिल टूटता है, तो वो क्या करते, ज़्यादातर वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देंगे। उनको उनके दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, और अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीना और ज़्यादा शुरू कर देते हैं। मतलब कि उनको उस वक्त जो भी नशा वो कर रहे होते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, और अपने दोस्तों के साथ उस बात को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। मतलब एक चीख चीख करके बताना कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ऐसा देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। देखिए, जब दिल टूटता है तो लड़की को भी उतनी तकलीफ होती है जैसे लड़के को हुई है, और जो आदमी किसी से कह नहीं पाता ना उसे और ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। और लड़कियों का ज़्यादातर रूटीन रहता है कि वो घर पर रहती हैं, मतलब एक जगह उनका ज़्यादा टाइम रहता है, और ज़्यादातर लड़कियां घर पर ही रहती हैं, वो बाहर भी जा करके इस चीज़ को नहीं बता पाती या बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती कि उन्हें थोड़ा सा माहौल चेंज मिले, तो ऐसा भी उनके साथ नहीं होता। तकलीफ दोनों को बराबर होती है, लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो ना तो वो शराब पीती है, ना तो सिगरेट फूंकती है, और ना ही चीख चीख करके पूरी दुनिया को ये बताती है कि उसे तकलीफ हुई है, किसी ने उसके साथ धोखा किया है, उसका दिल टूटा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो एकदम खामोश हो जाती है। उसे बस इतना ही समझ में आता है कि ये गुमसुम सी रहने लगी है, किसी से बात करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, अकेले रहने का उसका मन होता है, अपने साथ रहने का मन होता है, लेकिन वो इस तरह की उटपटांग हरकतें नहीं करती है जैसे कि लड़के करते हैं। तो ये चोट तो बराबर पहुंचती है, इंसान हर आदमी है, लड़का हो या लड़की, तकलीफ बराबर होती है, लेकिन ऐसी हरकतें लड़कियां नहीं करती हैं। तो लड़कों को भी उसी तरह से जैसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा शराब पीने लगो, सिगरेट पीने लगो, और इन चीज़ों से आपको तकलीफ हुई है, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहिए। और अपने आप को तकलीफ बहुत सारे लोग पहुंचाने लगते हैं, चोट पहुंचाने लगते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। समय हर चीज़ को ठीक कर देता है, समय का इंतज़ार करिए बस, और ऐसी किसी भी गलत चीज़ में मत उलझिए जब आपका ब्रेकअप होता है कि आप शराब पीना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो, और या किसी गलत संगत में फंस जाओ, तो ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि समय जब जाएगा तो आपको इस बात का पछतावा होगा। कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए जरूर दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो वो समय लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, पार्क में जाइए, घूमने चले जाइए, लेकिन गलत चीज़ों की, गलत इंसान की संगत मत करिए, क्योंकि ये आपके जीवन को खराब कर देता है। और एक सही इंसान आपके जीवन में आता है, जो आपके लिए नहीं बना वो आपके जीवन से चला गया, जो बना होगा वो आपको समझेगा, आपके जीवन में हमेशा रहेगा। तो ये सब परिवर्तन जीवन में चलते रहते हैं, कोई एक आदमी हमारे जीवन में नहीं रुका, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस समय दीजिए अपने आप को। जब आपका ब्रेकअप होता है तो नशे की लत को बिल्कुल भी मत लगाइए, और अगर लगी है तो उसे बढ़ाइए नहीं, क्योंकि जो खाली बोतल लेते हैं, जो खाली बोतल खरीदते हैं, उनके बंगले बन गए, और जो बोतल खाली करते हैं उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं। इसलिए नशा किसी भी कीमत में अच्छा नहीं है, और समय हर चीज़ को अच्छा कर देता है। समय का इंतज़ार करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नशे से दूरी बनाकर रखिए।